अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 37 पे, व्हाट हैपन्स टू द एक्वेटिक एनिमल्स इन द वाटर, पानी में मौजूद एनिमल्स के साथ क्या होगा, एस क्या होता है, एज इट गेट्स हॉटर, अगर ये पानी गर्म हो जाता है। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ये पानी में रहने वाले पौधों की ग्रोथ को मुतासिर करता है। एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और उनकी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको तोड़ देगा। ऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। एंड दिस मे कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और ये एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं एनिमल्स, उनके अंदर अम्ले तनफस से रिलेटेड तकलीफ जो है उनका बाइस बन सकता है। अगर रेस्पिरेटरी सांस से मुतलिक जितने भी जो प्रॉब्लम होंगी वो उसकी वजह बन सकता है। इसलिए ये जो पानी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स रह रही हैं, अगर वो वाटर जो है गर्म हो जाता है तो ये इफेक्ट्स प्लांट्स और एनिमल दोनों के ही ऊपर होगा। दोबारा सुने, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड दिस मे कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। इसको आपने अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी। डायरी देखें पेज नंबर 37, रीडिंग क्वेश्चन लर्न प्लस राइट।